नमस्कार, मैं हूँ शीतल प्रसाद और बिग न्यूज़ के सभी दर्शकों को दुर्गा पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम आपको नॉर्थ कोलकाता के विभिन्न पूजा पंडालों के जो है दर्शन कराने लेके गए थे लाइव, और आज हम सुबह सुबह ही आ गए हैं खिदिरपुर में। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं खिदिरपुर सार्वजनिक दुर्गा उत्सव क्लब द्वारा आयोजित किए इस अद्भुत पूजा पंडाल के। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इस बार जो है यहाँ अलग क्या है, या आपको किस रूप में माँ के दर्शन करने मिलेंगे, और इस बार क्या ऐसा अनोखा किया गया जिसको आपको भारी संख्या में आके देखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अगर आप नज़र डालेंगे यहाँ पर पड़े हुए बैनर्स पे, तो बैनर्स पे आप देख सकते हैं कि कितना अनोखा कॉन्सेप्ट जो है इस बार लेके पूजा कमेटी सामने आया है। आप देख सकते हैं फॉर्च्यून का आप देख सकते हैं ब्रांड, लेकिन ये फॉर्च्यून नहीं है। आप ध्यान से गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं फॉर्च्यून है ये। तो ये इस तरह की जो खेल है जो खेला गया है शब्दों के साथ, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर रूपा फ्रंट लाइन की जगह जो है रूप इन फ्रंट लाइन किया गया है। और अगर आप ध्यान दें लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं एशियन पेंट्स। आपको पता होगा एशियन पेंट्स ब्रांड है, लेकिन अब जो है यहाँ पर एशियाना पेंट्स कर दिया गया है। साथ ही साथ ब्रिटानिया नहीं, वो ब्रिटेनिया है। इसी थीम को लेकर जो है आज हम यहाँ मौजूद पूजा कमेटी के सदस्य से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अनोखा इस बार जो है भक्तों को देखने को मिलेगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम बंटी है। एंड नमस्कार सबको, आए हमारे क्लब में खिदिरपुर सार्वजनिक दुर्गोत्सव। 97 साल की ये पूजा है। इस बार का हम लोगों का थीम है उत्सव विज्ञापन का। क्यों ये नाम दिया गया है? इसीलिए क्योंकि हर साल लोग कमर्शियल एड्स ही आज की तारीख में रूल करते हैं सारी दुर्गा पूजा को। तो हम लोगों ने इस साल क्या किया है कि जितने भी फ्लेक्स होते हैं वो होते हैं मटेरियल्स, जो एडवर्टाइजमेंट मटेरियल्स होते हैं फ्लेक्स के बनते हैं, प्लास्टिक्स के। हम लोगों ने इस साल सारे जो पुराने साल के जैसे चलते थे कि कागज पे, कपड़े पे सब पेंट्स करके, आप देख सकेंगे यहाँ पे सारे जितने भी लगे हुए हैं सब वैसे ही लोगों ने पेंट किए हैं अपने हाथों से। आप आएँ और आके बिल्कुल दर्शन करें। और सामने आप देख सकते हैं हमारी दुर्गा माँ मूर्ति भी है, वो वैसी की वैसी है जैसे पिछले सालों से, जितने सालों से चली आ रही है। तो आप लोग ज़रूर आएँ और आके विज़िट करें ज़रूर। जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी तो दिन हो रहा है, तो यहाँ पर जो लाइटिंग है वो काफ़ी नॉर्मल लाइटिंग ऐसे की गई है। शाम को जो है भक्त जो आने वाले दर्शनार्थियों उसको उनको किस तरह की लाइटिंग जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी? उनको पूरी अलग तरीके की फीलिंग्स होंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेडियम लाइट्स लगी हैं हमारे यहाँ पर। आप लोग इसीलिए आएँ, और जब आएँगे तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं जितना भी बोलूँगा आप समझ नहीं पाएंगे। आप लोग ज़रूर विज़िट करें यहाँ पर। ऐसे ही हम लोग यहाँ भीड़ चालू हो गई है, आप लोग आएँ और विज़िट करें यहाँ पर ज़रूर। तो आपने सुना थीम के बारे में, अब हम जो है आपको माँ के दर्शन कराने लेके जा रहे हैं। माँ इस बार किस रूप में जो है भक्तों को दर्शन करने के लिए इस बार आई है, आप देख सकते हैं अद्भुत माँ की अद्भुत मूर्ति जो है यहाँ पर विराजमान है। कितनी खूबसूरती से जो है कलाकृति वो दर्शाया गया है। और साथ ही साथ अगर आप पंडाल पे एक नज़र डालें तो आप मेरे लेफ्ट और राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर दुर्गा माँ की ही छवि को दर्शाया गया है, और कलाकृति जो है किस तरह से वो दिखाया गया है। साथ ही साथ मैं आशा करूंगी कि भारी संख्या में जो है आप खिदिरपुर सार्वजनिक दुर्गा उत्सव में आएंगे और माँ के दर्शन करेंगे। कैमरामैन विश्वजीत के साथ शीतल प्रसाद, बिग न्यूज़ 24/7 हिंदी।